अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद M&M। आज हम लोग बनाएंगे चिकन स्टफ ब्रेड रोल्स। इसके लिए एक पैन में हम लोग गार्लिक और चिल्ली पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून। उसको सॉटे कर लेंगे, फिर वेजेस ऐड करेंगे। मीडियम साइज अनियन, 1 कैरेट श्रेडेड एंड 1 कैप्सिकम चॉप्ड। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। सॉल्ट डालिए एज पर योर टेस्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं आप इसको स्पाइसी बनाने के लिए, तो 1 टेबल स्पून चाट मसाला। अब हम इसमें बॉईल करी हुई श्रेडेड चिकन ऐड कर देंगे। इसको भी एक अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून और 2 कप्स जितनी मोजरेला चीज़ ऐड करेंगे। 4 टेबल स्पून मेयोनीज ऐड करना है। इससे बहुत ही चीज़ी रोल बनेंगे, इसलिए ये इंग्रेडिएंट्स इम्पॉर्टेंट है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमारी स्टफिंग रेडी हो रही है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी है। ये देखिए मिक्सचर रेडी है। अब हम लोग रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने 2 एग लिए। इसको अच्छे से बीट करके रखना है और अब रोलिंग पिन से हम लोग ब्रेड को इस तरह रोल कर लेंगे, फ्लैट कर लेंगे और इसमें हम लोग स्टफिंग भरेंगे। इस तरह से देखिए हमको भरना है। रोल कर दीजिए, इसे पानी लगाकर सील कर लीजिए, फिर एग डिप में डिप करिए और फिर ब्रेड क्रम लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा ब्रेड रोल रेडी हो गया है। इसी तरह मैंने सारे रोल्स बना लिए। हम इसे एयर फ्रायर में रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। इसको मैंने इस तरह ऑयल लगा दिया है। इस तरह हम लोग कुक करने के लिए रख देंगे। ये देखिए हमारे एयर फ्रायर में से हमने निकाले ब्रेड रोल्स को। हम लोग टर्न करेंगे और इसे भी 5 मिनट्स के लिए रख देंगे। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए ये बनकर रेडी हो चुके हैं। इसे गरम गरम सर्व कीजिए आप इफ्तार के लिए। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी बनते हैं ये। इफ्तार में सब लोग बहुत पसंद करते हैं, बच्चे भी बड़े भी। आप भी इसे घर में बनाइए। मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।